हेलो दोस्तों, आज आपका अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सारे एग्जाम में जीके का क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है, खास करके कोई भी रेलवे हो, एसएससी हो, अदर पुलिस का हो, खास करके डिफेंस में आपको ज़्यादा करके जीके का क्वेश्चन पूछे। लेकिन यही जीके से क्वेश्चन में से कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार लगभग छोटे से बड़े एग्जामों में पूछता है, वो वाली टॉपिक आपको देखिए बताते क्या है टॉपिक। मतलब आपको कोई देश का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लेगा, आपको घुमा के पूछ लेगा कि उस देश का संसद का नाम क्या है। या तो ऐसे करेंगे, या तो संसद का नाम दे देंगे, आपको देश पूछेगा कि ये जो है संसद का नाम, ये किस देश का संसद है, ऐसे पूछेगा। या तो आप ये पूछेंगे, कोई देश देगा, बोलेगा कि ये देश का किस भाषा बोला जाता है, यानी ये जो देश है, मतलब कोई देश का नाम देगा और पूछेगा वो देश का क्या भाषा है, किस भाषा वहाँ बोला जाता है। उसके बाद या तो ये पूछेगा, मुद्रा पूछेगा, क्योंकि ये अभी फेमस वाले मुद्रा है, मतलब किसी भी देश का जो है ना करेंसी जो बार बार पूछता है एग्जाम में। और अब तो राजा कैपिटल बहुत कम पूछने लगा, लेकिन करेंसी अब ज्यादातर के पूछता है, इसलिए थोड़ा करेंसी पे याद रखेगा। और लैंग्वेज और करेंसी और थोड़ा संसद, राजधानी तो थोड़ा कम भी कर दिया पूछने के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको राजधानी भी बता देंगे आपको, ताकि आपको एग्जाम में अगर जो सपोज डेट पूछ लिया जाए तो आप फंसिएगा नहीं। आपको लगभग 10 ऐसे देश के नाम जो कि चूज करके लाएंगे जो कि पिछले वर्ष देखे आप, तो छोटे से बड़े एग्जाम में अगर जो मिलाइएगा तो ये सारा क्वेश्चन, ये सारा पॉइंट आपको देखने मिलेंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम में एक ही पेपर में 10 क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन कोई कुछ ये वाला क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछा है, नंबर 2 वो एग्जाम में पूछे, मतलब किस लगभग जितने क्वेश्चन आपको बताएंगे पिछले वर्ष में पूछा वो क्वेश्चन, ताकि आपको ये पता लगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है। या ये देखते हैं क्या है। तो आपको हम क्या बताएं कि किसी देश का नाम देगा, उसका संसद के नाम पूछेगा, तो आपको आइए हम आपको देते हैं ये उसके देश का नाम, यानी आपको 10 देश के नाम हम बताएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यानी 10 से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। आप छोड़ के नहीं जाइए, नहीं तो आप फिर एग्जाम देकर आइएगा तो फिर आपको पछतावा लगेगा कि इससे क्वेश्चन आया था, हम ये वाले वीडियो छोड़ दिए थे। आप मजाक में ना लीजिए, सीरियस में देखिए वीडियो और अपने सारे दोस्तों के पास दीजिए 10 से 15 मिनट के ये वीडियो, जो कि आपको आगे चल के बहुत काम देने वाला है। आइए देखते हैं। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पूछ लिया जाएगा कि इस ये जो है ये देश का संसद का नाम बताइए, तो इस देश का संसद का नाम आप क्या बताइएगा। कांग्रेस संसद पूछेंगे, अमेरिका के संसद पूछेगा तो कांग्रेस बताइएगा। और यहीं आपको पूछ लिया जाएगा भाषा, अगर यहाँ पे भाषा पूछेगा तो भाषा आप इंग्लिश बताइएगा, क्या बताइएगा, इंग्लिश। अमेरिका का भाषा पूछे बताइएगा कि अमेरिका का भाषा क्या है, तो इंग्लिश बोले जाते हैं वहां पे। अब पूछेगा आपको अमेरिका की राजधानी, तो अमेरिका की राजधानी आपको बार बार बता रहे हैं हम, Washington DC, क्या Washington DC अमेरिका की राजधानी। और अमेरिका के एक क्वेश्चन बहुत फेमस है यहाँ पे, अमेरिका में टोटल जो है मतलब स्टेट का टोटल स्टेट अमेरिका में 50, याद रखिएगा टोटल 50 स्टेट है अमेरिका में, ये बात भी याद रखिएगा, अमेरिका में टोटल 10 कितने 50। और अमेरिका की ये क्वेश्चन जो फेमस हो चुका है क्या, कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या। तो यही आप थोड़ा सा DC हटाइए, थोड़ा सा DC, Washington DC तो आपको बताए थे हम, Washington DC बताए थे, इसका क्या है कैपिटल, तो आपको पूछेगा कि इनका राष्ट्रपति पूछेगा फर्स्ट राष्ट्रपति, यानी कि अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, उसी के नाम पे क्या है रखा गया है अमेरिका के राजधानी का नाम वाशिंगटन रखा गया, DC, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे वो उसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन था, याद रखिएगा। तो अब आइए थोड़ा सा आता है करेंसी, तो करेंसी यहाँ पे क्या चलता है, करेंसी चलता है यहाँ डॉलर, क्लियर। एक देश से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अमेरिका से बन गया, प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। अब आइए आते हैं नंबर टू में क्या है, नंबर 2 देखिएगा चीन, क्या नंबर 2 में चीन है, तो चीन का जो
चीन का जो कांग्रेस का नाम पूछेगा तो आपको नेशनल नेशनल पीपुल कांग्रेस, कांग्रेस ये क्या है इनका, ये संसद के नाम, चीन का संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये नेशनल पीपल का कांग्रेस है, आप याद रखिएगा इनका संसद का नाम, चीन का संसद का नाम। अगर जो आपको पूछेगा भाषा, तो अगर जो चीन का आपको भाषा पूछेगा तो चीनी, चीनी मंगोल या तो मंडारिन, चीनी मंगोल या मंडारिन, क्या इनका भाषा है, चीन की भाषा चीनी मंगोल या मंडारिन। अगर जो आपको पूछेगा राजधानी तो बीजिंग, क्या रखिएगा बीजिंग, इनके चीन का राजधानी बीजिंग। और यही आपको पूछ लिया करेंसी, अगर जो आपको करेंसी अगर जो आपको करेंसी पूछ लिया जाएगा चीन के, तो आप क्या बताइएगा, चीन का जो करेंसी होता है वो युआन होता है, क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ से एकदम चार क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कहीं से भी घुमा के पूछेगा आपको, अगर आपको घुमा के पूछेगा चीन देगा, कैपिटल पूछ लेगा, जो कैपिटल होता है या तो इसका ज्यादातर की करेंसी पूछ लिया जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ज्यादा टाइम नहीं पास करते, सीधा क्वेश्चन बताते चलते हैं, क्वेश्चन बनाते चलेगा। नंबर 3 में हम क्या चूज किए थे, फ्रांस को, तो फ्रांस का जो कांग्रेस का नाम है तो संसद का नाम क्या है, नेशनल 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 असेंबली, क्या कांग्रेस फ्रांस का संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली, याद रखिएगा फ्रांस की कांग्रेस का नाम संसद का नाम नेशनल असेंबली था। और अब फिर आपको पूछेगा क्या भाषा पूछेगा संसद का, फ्रांस सॉरी फ्रांस का भाषा क्या है आपको याद रखना है, फ्रेंच, फ्रांस का भाषा फ्रेंच, और फ्रांस की राजधानी पेरिस, और आपको पूछेगा करेंसी यानी मुद्रा पूछेगा फ्रांस के, तो फ्रांस की मुद्रा आपको याद रखना है यूरो, क्लियर, फ्रांस की मुद्रा यूरो। और फ्रांस के संसद का नाम पूछे तो नेशनल असेंबली, और भाषा पूछे तो फ्रेंच, और राजधानी पूछे तो पेरिस, और या मुद्रा पूछे तो यूरो, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 4 में ब्रिटेन, तो ब्रिटेन है तो आपके यहाँ फिर ब्रिटेन ही आता है, तो ब्रिटेन का संसद का नाम कौन सा, पार्लियामेंट याद रखिएगा, ब्रिटेन का संसद का नाम पार्लियामेंट था, और इसका भाषा अगर पूछे ब्रिटेन का भाषा तो यानी इंग्लिश, क्या था इंग्लिश, और ब्रिटेन को ही क्या बोला जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को ही बोला जाता है, और इंग्लैंड भी इन्हीं को कहा जाता है, यस, इसका इंग्लिश नाम इंग्लैंड है। उसके बाद कोई अब आता है राजधानी इसका, तो ब्रिटेन का राजधानी याद रखेगा लंडन, और भाषा आपको इंग्लिश है, राजधानी लंडन है, आपको करेंसी पूछेगा तो करेंसी आप याद रखिएगा पौन, करेंसी पौन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का संसद का नाम बताओ, आप पूछेगा अफगानिस्तान का संसद का नाम बताओ, तो अफगानिस्तान के संसद का नाम स्वरा, और पूछेगा भाषा
तो आप पास तो पास तो या पर्शियन पस्तो या पर्शियन क्या है आपका, अभी अफगानिस्तान का भाषा है याद रखिएगा। और फिर आपको पूछेगा अफगानिस्तान की राजधानी तो काबुल, और पूछेगा आपका मुद्रा अफगानिस्तान के तो मुद्रा अफगानिस्तान के क्या है अफगानी। अफगानिस्तान के संसद के नाम सोरा, भाषा पश्तो या तो या ये देंगे या तो ये देंगे क्या पर्शियन, या तो फिर इसको राजधानी बताइएगा काबुल और तो वहां पे चल जाएगा करेंसी में अफगानी। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, आप छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, आपको याद होने की गारंटी। अगर जो आप शांति से देखिएगा तो सारा जो 40 के 40 क्वेश्चन है, पॉइंट 10 है लेकिन उससे 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आप कहीं छोड़ के नहीं जाइए, आप टाइम दीजिए, 40 क्वेश्चन आपको क्लियर होने वाला है इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर रूस आता सिक्स में क्या, रूस जिसे इंग्लिश में रसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं रसिया, तो रूस की क्या है, रूस का तो रूस का होता है उसका संसद का नाम ड्यूमा है। और आपको पूछेंगे भाषा तो रूसी, अगर पूछेंगे क्या भाषा बोला जाता है रूस में तो रूस में रूसी बोला जाता है। और फिर आप आगे बढ़िएगा, पूछेगा रूस के राजधानी तो रूस के राजधानी आप पूछेगा मास्को, क्या मास्को। और फिर आपको पूछेगा रूस का मुद्रा तो रूस का मुद्रा क्या याद रखना आपको डॉलर, रूस का मुद्रा डॉलर, क्लियर। चलो 24 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जर्मनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इससे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इसके बारे में थोड़ा कोई डिफिकल्ट कंट्री है, इसके बारे में कोई जानकारी रखना चाहिए तो स्टूडेंट नहीं याद रहता है स्टूडेंट को, तो इसका थोड़ा हार्ड होता है थोड़ा सा। इसका संसद का नाम बुंडेस्टैग है और उसका जो भाषा बोला जाता हुआ जर्मन, क्या बोला जाता है वहां पे जर्मनी में भाषा जर्मन बोला जाता है। और आपको आता है क्या इनका राजधानी, तो राजधानी इनका याद रखिएगा जर्मनी का राजधानी बर्लिन याद रखिएगा। लैंग्वेज पूछेगा तो जर्मन और कैपिटल पूछेगा तो बर्लिन, और यही आपको जर्मनी का पूछेगा करेंसी, तो अगर जर्मनी का करेंसी आपको पूछा तो जर्मनी का करेंसी यूरो, सही है जर्मनी का करेंसी यूरो। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो अब थोड़ा इससे हम स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए क्योंकि हम अब ऊपर से क्लियर करेंगे, ऊपर से आपको लिखेंगे। यानी 7 × 4 = 28 क्वेश्चन आपको बता देंगे, अभी आपको 12 क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट तक पहुंच चुका है। ये सार आप सोचते होंगे वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन लंबा जाएगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का वीडियो है, तो 40 क्वेश्चन बताने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कहीं सीखने के लिए आपको जब तक टाइम नहीं दीजिएगा थोड़ा सा आपको नहीं याद होगा, याद तो ऐसे करने में आपको टोटल डाइट हम लिख के बता देते हैं लेकिन आपको याद भी तो करवाना है, बताने से याद होता है ये तो पता है आपको, किसी को बोलकर कहा गया शब्द जल्दी याद होता है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 जापान, जापान के संसद के नाम पूछेगा तो क्या रखिएगा? संसद के नाम डायट। और अगर जो आपको पूछेंगे भाषा, जापान के अगर भाषा पूछेगा आपको जेपनीज, और यही आपको पूछेगा कैपिटल, और जापान का कैपिटल पूछेगा तो टोक्यो, क्या हुआ टोक्यो। और अगर जो आपको करेंसी पूछे जापान से तो ये, जापान की करेंसी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ईरान, ईरान का संसद का नाम याद रखिएगा, बोलता है ना मजलिस लगा के बैठा है ईरान में जाके, क्या ईरान में मजलिस, ईरान का संसद क्या मजलिस। और आपको पूछेगा ईरान का लैंग्वेज, तो ईरान का लैंग्वेज आपको याद रखना इजी है फारसी। और कैपिटल पूछेगा ईरान के तो तेहरान, ईरान मतलब तेहरान। और अब, और अब आपको पूछेगा करेंसी यानी इसका रियाल, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 में क्या है बांग्लादेश? बांग्लादेश का संसद का नाम क्या था? बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद क्या है? जातीय संसद। और यही आपको पूछेंगे भाषा, तो इसके लिए भाषा बंगाली है क्या? बंगाली। बंगाली चकमा मग इनका भाषा है, बंगाल का होगा। और आपको पूछेगा इनका राजधानी तो ढाका, और कैपिटल पूछेगा तो ढाका, सॉरी कैपिटल ढाका, करेंसी ढाका। यहाँ से क्वेश्चन आपको समझा दिए, आपको बता दिए बांग्लादेश के संसद का नाम पूछेगा तो जातीय संसद, भाषा पूछेगा तो बंगाली चमकामा चकमा यानी चकमा मग क्या है? चकमा मग, दोनों ऐड करके बंगाली चकमा मग पूछेगा बंगाल की। उसका अगर जो कैपिटल पूछेगा तो ढाका, और ढाका इसका करेंसी है। और थोड़ा सा अब आता है यानी भारत, यानी भारत के अगर नोट करके हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, भारत को अभी नहीं बताया। भारत के अगर जो पूछेगा संसद के नाम, तो भारत संसद का क्या होता है ना, संसद ही होता है। और इसका अगर जो हिंदी होता है क्या होता है इसका, हिंदी इसका भाषा है। भारत में मेरा भाई, मेरा भारत का भाषा हिंदी है। और राजधानी पूछेगा तो न्यू दिल्ली है, जो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। और करेंसी पूछेगा तो रुपया, क्या रुपया याद रखिएगा। तो अगर जो वीडियो लंबा हुआ होगा, अगर जो आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे मेरा वीडियो, तो इसके लिए हम धन्यवाद आपको देना चाहते हैं। और आपके दोस्तों को हम इसमें आने के, अपने चैनल में जुड़ने के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपको और आपके दोस्तों को इस चैनल पर आके पढ़ें। और जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपको एग्जाम के दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना बनता हो। ये सारे का आपको 40 क्वेश्चन यहाँ से बना था, और ऐसे हम आशा करते हैं कि जिस जिस पॉइंट से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे पढ़िएगा तो सारा बुक आप पढ़ते रह जाएगा, लेकिन जीके खत्म नहीं होगा कभी भी। खास करके जीके के, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए स्कोरिंग पेपर होता है। यानी स्कोरिंग पेपर करने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर जो आप जीके जान रहे तो बहुत बना दीजिएगा, बहुत नंबर आएगा, लेकिन नहीं जान रहे हो तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं बनने, नहीं कभी पढ़े एक झलक, अगर जो आप एक झलक नहीं देखे क्वेश्चन को कभी भी, तो आपको वहाँ बनेगा नहीं, नहीं याद ही आएगा एग्जाम में। अब क्या मारोगे, आपको पूछेगा जापान की
संसद का नाम तो आप कभी पढ़वे नहीं किए जब आकर संसद, तो डायरेक्ट आप कैसे मार के होगा, आपका मैसेज भी साथ दोगे देगा जाके आपको उस पर क्लिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको भगवान करे आपका अच्छे एग्जाम जाए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो, थोड़ा सा आप हमें हेल्प करें। ये चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके हमें भेजें, आपका सारा क्वेश्चन के आंसर हम रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू।